नमस्कार साथियों, देखिए बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर क्या अपडेट न्यूज़ चल रही है। बिना परीक्षा पास कर दिए 10% बच्चे रिजल्ट बिगाड़ेंगे। 2 साल परीक्षा नहीं दे सके 11 लाख बच्चे इस बार 10वीं बोर्ड देंगे। बेसिक मिनिमम रिजल्ट देना भी बड़ी चुनौती। एक्सपर्ट से जानिए स्टूडेंट पेरेंट्स को एग्ज़ाम के समय क्या करना चाहिए। सही टाइम टेबल होना चाहिए, कंसेप्ट को समझें। पेरेंट्स की भूमिका सबसे बड़ी है। भरपूर नींद लें, खान पान कैसा हो, मेंटल फिटनेस, एंटरटेनमेंट जरूरी है। सुबह की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। पर इस बार टाइम टेबल में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। प्रत्येक सब्जेक्ट के बीच में काफ़ी गैप है। जैसे कि आप देख सकते हो 10वीं का टाइम टेबल इधर दिया हुआ है। 31 मार्च को इंग्लिश, 5 अप्रैल को विज्ञान, 12 को गणित, 18 को सामाजिक, 22 को संस्कृत, 25 को हिंदी। और इस बार 2 घंटे 45 मिनट का पेपर होगा, पहले 3 घंटा 15 मिनट का होता था। 30 मिनट कम कर दिए गए हैं।